हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम ब्लैक ड्रैगन टावर के बैटल 187 को कंप्लीट करेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम यहाँ पे स्पेकॉप और मार्शल आर्टिस्ट कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, एंड सबके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वही है स्पेकॉप एंड मार्शल आर्टिस्ट। तो अगर आपके पास नेदर रियम और एल्डर गॉड कैरेक्टर है तो आप इस बैटल को इजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इस बैटल के लिए मैं दो नेदर रियम और एक एल्डर गॉड कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ। तो जल्दी से इनके इक्विपमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो कैंसी पे मैं यूज कर रहा हूँ सेंटो ब्लेड, मिलिट्री बेस्ड, ब्लेज लाइफ फोर्स फायर डॉट के लिए। स्कॉर्पियन पे रिवॉल्वर्स, क्रिटिकल हिट के लिए सावधान हेलमेट क्रिटिकल हिट, एंड एंड ब्लडी बूडो डॉल पावर जनरेशन के लिए। एंड डार्क रेडन को हम एक अनब्लॉकेबल गियर दे देते हैं। एक्चुअली इक्विपमेंट तो हम आपको दिखाए नहीं, आप जल्दी से देख सकते हैं। तो लेट्स डू दिस गाइस, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मार्शल आर्टिस्ट और स्पेक ऑफ कैरेक्टर्स को हम यूज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस बैटल को हम लोग इजिली कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, ये स्कॉर्पियन का डैमेज इतना कम क्यों हो रहा है? SP1 भी ज्यादा नहीं हुआ जबकि क्रिटिकल था, ये डैमेज इतना कम क्यों हो रहा है? समझ नहीं पा रहे हैं। ओ नहीं सेट, अरे यार इतना बड़ा गलती हम कैसे कर सकते हैं? सीरियसली? ओह नो, केंजी भी मार्शल आर्टिस्ट है, केंजी और स्कॉर्पियन दोनों मार्शल आर्टिस्ट है गाइस। यार हम तो इनके बारे में भूल ही गए थे एकदम, हमको सिर्फ याद था कि नेदर रियम में बस और वो एल्डर गॉड था, बस यही सोच के हम दोनों को ले लिए थे। मेरा दिमाग से उठ गया ये बात कि ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट है और मार्शल आर्टिस्ट का डैमेज बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। अरे यार ये बैटल लग गया मेरे। पक्का लग गया, हमको ब्लॉक करना चाहिए था उला। नहीं होगा गाइस, आई थिंक ये बैटल हम नहीं कर पाएंगे, हमको चेंज करना पड़ेगा टीम फिर से। यार इतना बड़ा गलती, डेड, क्या बात है। नहीं गाइस ये बैटल नहीं होने वाला, अभी लुईकांग और क्लासिक रेडन दोनों फुल हेल्थ पे हैं, क्या बात है। और एक कमाल की बात गाइस, मैंने रेवेनेंट को, मतलब मैंने रेवेनेंट को मैक्स आउट करके रखा है बट फिर भी अभी तक एक बार भी रेवेनेंट आया नहीं, इसलिए हमको रेवेनेंट पसंद नहीं आता कभी कभी। नहीं होने वाला, ये SP2 करेगा हम डेड हो जाएंगे। अरे यार क्या हो पाएगा? SP2 का दिक्कत यह है कि पावर जनरेशन तेज हो जाता है अपोनेंट का। अभी SP2 करेगा, लगता है इसका मूड नहीं SP2 करने का। मत कर भाई SP2, हमको जल्दी तेरे को मारने दे बस। अगर इसको भी हम मार भी देते हैं ना तो उसके बावजूद डेड, हम डेड, एक और ट्राई, अच्छा बच गए, फिर भी नहीं हो पाएगा। अब तो डैमेज भी कम कर दिया मेरा, ऐसे ही काफी कम डैमेज हो रहा था, नहीं हो पाएगा। भले इस ट्राई में हम इसको मार भी दें उसके बावजूद लुईकांग भी आएगा एंड उसके बाद SP1 या SP2 करेगा और हम डेड हो जाएंगे। यार हम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? हम कम्प्लीटली भूल गए कि केंजी और स्कॉर्पियन दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं। अच्छा वो यूज़ नहीं किया, बच गया। बस बस बस, मर जा मर जा मर जा, प्लीज डेड हो जा मेरे भाई। ओ माय गॉड कैसे हो गया, तो क्लच कर दिया हम, सीरियसली मजा आ गया। गाइस ऐसी गलती मत करना ठीक है, अगर नेदर रियम और एल्डर गॉड नहीं है आपके पास तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला बैटल था ये। तो ठीक है गाइज, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।